हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और यहां से मैं इस वीडियो क्लास से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, मॉक टेस्ट की। इसमें मैं आपको मॉक टेस्ट करवाऊंगा एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए, और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी मैं आपको करवाऊंगा और मिक्स्ड मॉक टेस्ट भी मैं करवाऊंगा सभी टॉपिक्स के। तो इसमें 25-25 नंबर के मैं मॉक टेस्ट करवाऊंगा। इनको पहले आपको खुद सॉल्व करना है और इनके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को मेज़र कर सकते हैं कि किस लेवल पर आपकी प्रिपरेशन है, और उसके थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हाईली यूजफुल ये क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे सभी एसएससी एमटीएस एस्पिरेंट्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस को। इस मॉक टेस्ट में मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, यानी 25 क्वेश्चंस लिए हैं और इनको आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक्विजिशन की स्पेलिंग पूछी गई है। देखिए, एमटीएस में क्या होता है कि एक ही वर्ड होता है, उसको अलग अलग तरीके से दिया गया रहता है, लेकिन सीजीएल में चार अलग अलग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसमें से आपको करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा जाता है, तो ये अंतर है थोड़ा सा सीजीएल में और एमटीएस में। तो एक्विजिशन का मतलब किसी चीज़ को अपने अधिकार में ले लेना। तो एक्विजिशन की सही स्पेलिंग है ACQUISITION। ये जो स्पेलिंग है फर्स्ट वाली, ये सही स्पेलिंग है। देखिए, एसएससी के एग्जाम्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से आते हैं, डबल लेटर वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कॉफ़ी है या कमेटी है, या ऐसे वर्ड्स जिनमें TION आता है, इस तरह के वर्ड्स काफ़ी पूछे जाते हैं। और इस तरह के वर्ड्स भी आते हैं जिसमें पहले आई या ई आएगा या पहले ई या आई आएगा, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स में कन्फ्यूज़न होता है। तो इसको आप ध्यान रखें, इस तरह के वर्ड्स को आप जरूर तैयार करें, डबल लेटर वाले वर्ड्स, ट्रिपल लेटर वाले वर्ड्स, TION वाले वर्ड्स और IE और EI वाले वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा A। अब सेकेंड वर्ड है एकोमोडेट, किसी को एडजस्ट करना, जैसे एकोमोडेशन, हम रहने के स्थान को भी हम एकोमोडेशन बोलते हैं। एकोमोडेट का मतलब होता है एडजस्ट करना किसी व्यक्ति को कहीं पर। तो ACOMODATE, ये डबल लेटर वर्ड है और M इसमें दो बार आता है और C इसमें दो बार आता है। ACOMODATE, ये इसका सही स्पेलिंग है एकोमोडेट का, और B यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देते हैं, हैंडकरचीफ यानी रूमाल, इसको हम हैंकी या हैंकरचीफ बोलते हैं, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है वो है HANDKERCHIEF। तो स्पेलिंग जो गलत देंगे आपको, वो उसमें क्या करेंगे कि जैसे जैसे इसमें डी नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं ये स्पेलिंग गलत है, या फिर इसमें CH चीफ की स्पेलिंग गलत करके दे देंगे आपको, IE की जगह EI दे देंगे यहाँ पर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्पेलिंग है, हैंडकर चीफ इसको हम बोलेंगे और डी इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कमेमोरेट। कमेमोरेट किसी की याद में कुछ करना, ठीक है। तो COMEMORATE, इसमें डबल एम एक ही बार आएगा, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग होगी ये COMEMORATE, कमेमोरेट। तो सी इसमें आपका सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं एथिएस्ट का क्या मतलब होता है। डीएस्ट का मतलब होता है जो भगवान में विश्वास करता है, एथिएस्ट मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करता। और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि THE जो दा होता है, THE दा, ठीक है। तो दा इसमें आता है, अब देखिए दा इसमें आ रहा है THE दा, और दा के बाद इसमें IST आता है, एथिएस्ट। तो बी इसमें सही स्पेलिंग आपकी होगी, ठीक है। पजेशन मतलब अधिकार में लेना किसी चीज को, टेक होल्ड ऑफ समथिंग, टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग। तो पजेशन में डबल एस दो बार आता है, POSSESSION, POSSESSION, इसमें SION आता है, TION नहीं आता। तो जो भी वर्ड्स हैं जिसमें TION आता है, SION आता है, डबल लेटर ट्रिपल लेटर वर्ड्स होते हैं, IE या EI आता है, ऐसे सारे वर्ड्स हाईली यूजफुल और हाईली इंपॉर्टेंट हैं SSC के सभी एग्जाम्स के लिए। तो POSSESSION, इस वीडियो क्लास को प्लीज पूरा आप देखिए, काफी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। POSSESSION, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फोरफिट। फोरफिट का मतलब किसी चीज को अपने कब्जे में लेना, किसी चीज को ग्रैब कर लेना, ठीक है। फोरफिट, FORFEIT, फोर का मतलब होता है सामने वाला हिस्सा,
फोर फ्रंट जैसे हम बोलते हैं, रियर का मतलब होता है पीछे वाला हिस्सा है, रियर, ठीक है। तो फोर फिट, एफ ओ आर, एफ ओ आर ई नहीं आता इसमें, एफ ओ आर एफ ई आई टी, फोर फिट। तो ये इसकी सही स्पेलिंग है, सी इसकी सही स्पेलिंग, एफ ओ आर एफ ई आई टी। ऑकेजनली इसमें क्या होता है, ऑकेजनली में सी एक्चुअली डबल लेटर में आता है, सी, एस नहीं आता, और यहीं पर इसमें कंफ्यूजन होता है। इसमें सही स्पेलिंग होगी आपकी डबल एल बाय तो आएगा, क्योंकि ऑकेजनल में जब हम वाई लगाएंगे तो ऑकेजनली हो जाएगा, और डबल एल इसमें हो जाएगा क्योंकि इससे पहले एक वोवेल आ रहा है, तो इसलिए एल डबल हो जाएगा। लेकिन इसमें केवल सी डबल होता है, एस डबल नहीं होता। ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ए डबल एल बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है ये, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ए डबल एल वाई। ये डी इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑलमाइटी का क्या मतलब है, ऑलमाइटी गॉड को हम बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं। माइट का मतलब होता है शक्ति, पावर, और ऑल मतलब सारी, तो सारी शक्तियां जिसके पास हैं उसको हम भगवान या ऑलमाइटी गॉड बोलते हैं, ठीक है। ये एक भगवान की डेजिग्नेशन आप मान सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा या इंजीनियर अजय कुमार शर्मा, उसी तरीके से ये भगवान की एक डेजिग्नेशन है, ऑलमाइटी गॉड। तो ऑलमाइटी गॉड में ए डबल एल नहीं आता, ए एल आता है, और उसके बाद माइटी, माइटी का मतलब शक्तिशाली या पावरफुल, ए एल एम आई जी एच टी बाय, ये इसकी सही स्पेलिंग है ऑलमाइटी, ठीक है। ऑलमाइटी ली इसको यदि करेंगे तो इसमें बाय का आई हो जाएगा। ग्रीवेंस, ग्रीवेंस क्या होता है, ग्रीवेंस जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने सुना होगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम्स होते हैं, जहां पर किसी व्यक्ति को कोई कंप्लेंट है, कोई इशू है, तो वो गवर्नमेंट के पास जाता है, ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम, ये अलग से एक सेक्शन होता है डिपार्टमेंट्स में। तो ग्रीवेंस का मतलब होता है कोई भी कंप्लेंट या कोई भी इशू, और सही स्पेलिंग है इसमें जी आर आई ई वी ए एन सी ई, जी आर आई ई, आई ई आएगा इसमें, ई आई नहीं आएगा, जी आर आई ई वी ए एन सी ई, तो बी इसमें आपका सही स्पेलिंग है। एमिनेंट, जैसे एमिनेंट साइंटिस्ट हम बोलते हैं, एमिनेंट पर्सनैलिटीज, मतलब जो जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, जो वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, उसको हम बोलते हैं एमिनेंट। तो एमिनेंट के लिए यहाँ पर सही स्पेलिंग है, इसमें ये डबल लेटर वर्ड नहीं है, ये सिंगल लेटर वर्ड है, ई एम आई एन ई एन टी, ई एम आई एन ई एन टी इसकी सही स्पेलिंग है। इमिनेंट का क्या मतलब होता है, इमिनेंट का मतलब जो होने वाला है, जो होने वाला है, अबाउट टू हैपन इसको हम बोल सकते हैं। और इसके लिए कुछ इडियम्स मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो होता है ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है जो होने वाला है, या इन द ऑफिंग भी इसको हम बोलते हैं, इन द ऑफिंग, या अबाउट टू हैपन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इम्पेंडिंग भी इसके लिए आता है एक वर्ड, इम्पेंडिंग। तो आई डबल एम आई एन ई एन टी, आई डबल एम आई एन ई एन टी, इमिनेंट, ये इसके लिए सही वर्ड है। बिसीज का मतलब क्या होता है, टू सराउंड समथिंग, टू इनसर्किल समथिंग, जैसे जैसे कहीं पर कोई अटैक, पुलिस कहीं पर धावा बोलती है या तलाशी लेती है, तो उस चारों तरफ से घेर लेती है उस घर को, दैट इज कॉल्ड बिसीज, या इनसर्किल करना या सराउंड करना, ठीक है। तो बिसीज, बी ई एस आई ई जी ई, बी ई एस आई ई जी ई, ये इसकी सही स्पेलिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले इन मैक्सिमाइजर कोर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा, यदि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन में 90% से ऊपर आप स्कोर करना चाहते हैं तो इन ऑनलाइन ई कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनका डिटेल पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, सीज का मतलब होता है हत्याना, तो इसका सही स्पेलिंग क्या होगी, इसमें ई आई आता है, कुछ वर्ड्स को थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स को आप लॉजिक से कर सकते हैं, एस ई आई जेड ई, आई ई नहीं आता इसमें, ई आई आता है, एस ई आई जेड ई, सीज, और इसका नाउन फॉर्म जो होता है वो होता है सीजर। हत्याने की जो प्रक्रिया होती है, अपने कब्जे में लेने की जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड सीजर। जैसे क्लोज का नाउन फॉर्म होता है क्लोजर, वैसे ही सीज का सीजर होता है सीज, ये यहां पर वर्ब फॉर्म है। सीज फायर, सीज का मतलब क्या होता है, रोकना, और फायर मतलब आग, आग को रोकना। ये सीज फायर इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जो थिएटर्स में लगे रहते हैं आग को रोकने वाले, या बिल्डिंग्स में लगे रहते हैं, सीज फायर, सी ई ए, इसमें एस नहीं आता, इसमें सी आता है,
CEASEFIRE, सीज़फायर, ठीक है। ऑल्मनैक क्या होता है? ऑल्मनैक एक कैलेंडर या एक डायरी होती है जिसमें उस किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में सब कुछ लिखा रहता है, ऑल्मनैक उसको हम बोलते हैं। तो ALMANAC ये इसकी सही स्पेलिंग है, इसमें डबल एल नहीं आता, तो इसको आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्पेलिंग है। और ये सभी वर्ड्स SSC MTS के फोर्थ कमिंग एग्जाम्स में डेफिनेटली ये वर्ड्स आएंगे, इनमें से कोई ना कोई वर्ड्स डेफिनेटली फंसेगा। अब देखिए मर्मर का मतलब क्या होता है, विश्पर, या टू स्पीक सॉफ्टली, धीमे धीमे बोलना, फुसफुसाना। सही स्पेलिंग क्या है? सही स्पेलिंग है MURMUR, मर्मर, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ेंगे परेनियल, हालांकि इसकी स्पेलिंग में PERE आता है, लेकिन इसको हम परेनियल पढ़ते हैं। और इसकी सही स्पेलिंग है PERE NNIAL, डबल एन आता है इसमें, PERE NNIAL, परेनियल। सेपरेट, ये देखिए सिंपल वर्ड है, लेकिन इसमें भी कभी कभी काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, SEPARATE, सेपरेट, SEPARATE। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ग्रोटेस्क, यानी भद्दा या बेमेल, जो नेचुरल नहीं है, जो थोड़ा सा भद्दे होने की वजह से डरावना लगता है, उसको हम बोलेंगे ग्रोटेस्क या अगली या ग्रॉस। और इसकी सही स्पेलिंग है GROTESQUE, ग्रोटेस्क। स्कल्पटर, जो मूर्तियां वगैरह बनाता है, जो आर्टिस्ट होता है, उसको हम स्कल्पटर, ठीक है, बी इसकी सही स्पेलिंग होगी। डाइटिशियन, डाइट फिर टी फिर CIAN, डाइटिशियन, DIET, डाइटी, ये हो गया डाइट की स्पेलिंग, फिर TI, डाइटी, फिर CN, डाइटिशियन, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजिंग लेटर्स हैं। DIET, डाइट हो गया, फिर TII हो गया, फिर CIAN हो गया, ठीक है। तो डाइटिशियन की सही स्पेलिंग ये होगी, डाइटिशियन। डिसीव, यानी किसी को ट्रिक करना, किसी को धोखा देना, ठीक है। इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब आता है टेकिन, टेकिन का मतलब भी डिसीव होता है, DECEIV, ये वर्ब फॉर्म है, इसका नाउन फॉर्म होगा डिसेप्शन, ठीक है, डिसेप्शन, DECEIVE, DECEIVE। बिलीव में होता है BELIEVE, इसकी स्पेलिंग्स में थोड़ा डिफरेंस है, देखिए इसमें BELI है, इसमें DECE है, इसमें दो बार ई है डबल शुरू में, DECEIVE, इसमें BELIEVE है। नेक्स्ट हम देखते हैं इलोक्वेंट, मतलब जो फ्लुएंट है, जो आर्टिकुलेट है, उसको हम बोलते हैं इलोक्वेंट, ELOQUENT। तो इस तरीके से इस वीडियो क्लास में मैंने 25 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए हैं, आई होप आपको ये काफ़ी पसंद आए होंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, उस वीडियो क्लास को जरूर जरूर लाइक करें, ताकि मैं इससे भी अच्छे मॉक टेस्ट आपके लिए बना सकूं। और ये सभी मॉक टेस्ट SSC MTS के सभी एस्पिरेंट्स के लिए हाईली यूजफुल रहेंगे, तो इसलिए इस वीडियो क्लास को आप शेयर जरूर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। और ई कोर्सेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनके थ्रू आप 90% तक स्कोर कर सकते हैं SSC किसी भी एग्ज़ाम में, तो उनका डिटेल पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो मेरे नंबर्स भी नीचे दिए गए हैं, उनके थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन, बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।